तो आज के दिन दो काफी बड़ी मूवी का न्यू ट्रेलर हमें देखने को मिली गया, जो कि है पठान और एंटमैन 3। ये दोनों मूवी ही इस साल की बड़ी मूवी होने वाली हैं, जहां SRK का 4 साल बाद का कमबैक हो रहा है और एंटमैन 3 भी मार्वल 5 की पहली मूवी होने वाली है, जो कि इस यूनिवर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट मूवी भी है। और इन दोनों मूवी का ट्रेलर आज के दिन ही रिलीज किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं पठान मूवी के बारे में। तो इसके ट्रेलर देखने के बाद मैं एक ही चीज कहूंगा और वो है मास एंटरटेनमेंट, क्योंकि जिस लेवल का एक्शन सीन में दिखाया गया है वो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। और इस मूवी में हमें ऐसे ही कई एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा, जो कि इस मूवी के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे अगर एक्शन सीन से हटकर बात करें मूवी की स्टोरी की, तो देखो मूवी की स्टोरी में कुछ नया नहीं है। मतलब अगर तुमने स्पाय मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि इन मूवीज में क्या होता है। एक विलन है जो अपने देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है और फिर एक एजेंट आके उसे रोकता है। यही हमने कई हॉलीवुड की मूवीज में देखा है और हमें ये देखने में अच्छा भी लगता है। तो इस मूवी की बेसिक स्टोरी भी कुछ ऐसे ही होने वाली है, लेकिन इसमें एक अलग ही लेवल का एक्शन होने वाला है, जो कि देखने में सबको मजा आएगा। बात करें ट्रेलर की BGM की, तो सुनने में भी काफी अच्छे लगते हैं एंड आई होप कि मूवी में भी ऐसे ही हमें सुनने को मिले। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें पठान मूवी के सभी कैरेक्टर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे मूवी में कौन क्या होने वाला है ये भी समझ में आ जाता है। वैसे तुम्हें इसका ट्रेलर कैसा लगा ये कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं एंटमैन एंड द वास्प: क्वांटम मेनिया, यानी एंटमैन 3 के ट्रेलर के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मूवी MCU Phase 5 की पहली मूवी और काफी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, और इसके न्यू ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया है कि ये क्यांग डायनेस्टी से कनेक्ट भी होने वाली है। इसके ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें एंटमैन को दिखाया गया है कि वो काफी फेमस हो गया है और कैसे वो सब क्वांटम रियल में चले जाएंगे और फिर वहाँ क्यांग से मिलते हैं। और क्यांग को एंटमैन के बारे में सब कुछ पता है कि कैसे उसने अपने 5 साल खो दिए, और क्यांग एंटमैन से कहता है कि मैं तुम्हें वो टाइम वापस दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। एक ऐसा शख्स जो तुम्हें वो दे सकता है जो तुम्हें चाहिए, और वो क्या है? वक्त। तो यहाँ पे क्यांग और एंटमैन के बीच एक डील होती है और शायद क्यांग एंडिंग में एंटमैन को धोखा दे दे। ट्रेलर में हमें 2 एंटमैन को दिखाया गया है, तो हो सकते हैं कि दूसरा एंटमैन अपने एंटमैन का वेरिएंट हो, और उसे ट्रेलर में मरते हुए भी दिखाया गया है। और ट्रेलर को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि इस मूवी के अंदर एंटमैन का डेथ हो जाएगा, क्योंकि क्यांग को पावरफुल दिखाने के लिए मार्वल यहाँ एंटमैन की बलि चढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें विजुअल्स की, तो इसका विजुअल्स काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब ये एंटमैन 1 और 2 से तो एक अलग ही लेवल का है। इस पूरे ट्रेलर में हमें क्यांग के बारे में ज्यादा बताया गया है कि आखिर वो चाहता क्या है। वैसे तुम्हें इसका ट्रेलर कैसा लगा और तुम पठान और एंटमैन 3 मूवी में से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, ये मुझे कमेंट में बता देना। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं और वैसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, गुड बाय।